नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिजनेस की बात प्रोग्राम में। मैं हूँ आपके साथ वंदा शर्मा। खुदरा व्यापारी जल्द ही चीन से आई माल का बहिष्कार करने वाले हैं, तो इसी पर आज हम आपसे बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं। बुधवार दिनांक 10 जून को कैट यानी परंपरागत तरीके से खुदरा कारोबार करने वाले व्यापारियों के मंच कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीन से आयात माल का बहिष्कार करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम है भारतीय सामान हमारा अभिमान। इसके तहत व्यापारी संगठन ने 2021 तक चीन में निर्मित वस्तुओं के भारत में आयात को 1,00,000 करोड़ कम करने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान के तहत व्यापारियों ने करीब 3,000 ऐसी वस्तुओं की लिस्ट बनाई है जिनका बड़ा हिस्सा चीन से आयात किया जाता है, लेकिन उनका विकल्प भारत में भी मौजूद है। कैट ने जिन वस्तुओं की सूची बनाई है वो कुछ इस तरह है। इनमें मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, FMCG उत्पाद, खिलौने, गिफ्ट आइटम, कन्फेक्शनरी उत्पाद, कपड़े, घड़ियां और कई तरह के प्लास्टिक उत्पाद शामिल हैं। आपको बता दें कि कैट अपने इस अभियान के अंतर्गत देश भर में व्यापारियों और लोगों को जागरूक करेगा कि चीनी वस्तुओं के बजाय भारतीय उत्पाद ही बेचें और खरीदे जाएं। कैट ने यह भी कहा कि 10 जून से शुरू होने वाले भारतीय सामान हमारा अभियान को लेकर और अधिक तीव्रता के साथ देश भर में चलाया जाएगा और ये अभियान चीनी उत्पादों के बहिष्कार का राष्ट्रीय अभियान है। साथ ही ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल पर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को सफल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये भी कहा कि कोरोना महामारी के कारण भारत एवं विश्व की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। इसको लेकर देश भर के नागरिकों में चीन के प्रति गहरा रोष है और अब लोग चीन की वस्तुओं से कतराने लगे हैं। संगठन के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि साल 2001 में चीन से होने वाला आयात सिर्फ $2 अरब का था, लेकिन पिछले 20 साल में ये बढ़कर करीब $70 अरब तक पहुंच गया, यानी इसमें 3500% की जबरदस्त बढ़त हुई है। इससे पता चलता है कि उन्होंने भारत के खुदरा बाजार पर कब्जा करने की कितनी सोची समझी रणनीति बनाई है। चीन की सरकार के मुखपत्र के रूप में मशहूर अखबार ग्लोबल टाइम्स ने आज प्रकाशित कर उस लेख पर देश के छोटे व्यापारियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें कहा गया है कि भारत के पास चीनी उत्पादों के बहिष्कार की हैसियत नहीं है। छोटे कारोबारियों के संगठन ने कहा कि चीनी अखबार की चुनौती हमें स्वीकार है और देश के व्यापारी एवं नागरिक मिलकर इसका बहिष्कार करके इसे सफल करके दिखाएंगे। कैट के मुताबिक ग्लोबल टाइम्स ने प्रकाशित लेख में यह भी लिखा कि चीनी सामान का इस्तेमाल भारतीयों की आदत में शामिल हो गया है और इसका बहिष्कार करना बिल्कुल संभव नहीं है। ऐसा कहकर चीनी अखबार ने भारत के व्यापारियों की शक्ति को नजरअंदाज किया है। अखबार ये भूल गया है कि हिंदुस्तानी जिसे चढ़ाना जानते हैं उसे उतारना भी आता है। अब चीन सहित सारी दुनिया देखेगी कि किस प्रकार भारत में चीनी उत्पादों का बहिष्कार होता है और केवल 1.5 साल में यानी दिसंबर 2021 तक चीन से 1,00,000 करोड़ रुपए का आयात कैसे कम होता है। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।